بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 2.2 के पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 5 तक हमने अपनी वर्किंग को एंड किया था। आज की इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स तमाम पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पार्ट नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है, -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 9। इसी तरह -1 माइनस अंडर रूट ऑफ -3 बाय 2 होल पावर 9। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है आज का, हमने इसको सॉल्व आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि ये जो चीज़ आपके सामने पहली ब्रैकेट में आपको जो वैल्यू नज़र आ रही है, ये वाली, ये जो है ये डायरेक्ट ओमेगा के इक्वल आ सकती है, यानी आप इसको ओमेगा के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा की जो वैल्यू आपने पहले लेक्चर में पढ़ी थी वो अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा थी, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ -3 है। तो ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात बताई थी कि ये दोनों बिल्कुल सिमिलर ही होते हैं, आप इनको एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम इसकी जगह पे ओमेगा लगाते हैं, ऊपर पावर 9 इसी तरह है, और ये जो चीज़ है ये डायरेक्ट ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल आ रही है और ऊपर पावर 9 आ रही है। अच्छा, इसके बाद ओमेगा की पावर 9 ऐसे ही, और ओमेगा स्क्वायर की 9 को अगर आप ओपन करेंगे तो ओमेगा की पावर 18 बन जाएगी। आगे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि ओमेगा की 9 को भी हमने ब्रेक किया और ओमेगा की 18 को भी हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद ये आपके पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 3, फिर ये 1/6 आ जाएगा, 1+1 2। ठीक है, ये इसका आपके पास आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर सेवन। अब देखें, ओमेगा रेस 37 प्लस ओमेगा रेस 38 -5। ठीक है, अब हमने इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो लेट्स सी हम इसको किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ओमेगा रेस 37 को अगर ब्रेक करें इस तरह कि ओमेगा की पावर 1 को हम अलहदा कर दें, ये ओमेगा की पावर 1 अलग हो गई है और ओमेगा 36 जो है वो अलग हो गया। ठीक है, हमने 37 को ब्रेक करके इस तरह से लिख लिया। 38 को हम ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा 36 लिख सकते हैं और -5 इसी तरह आ जाएगा। अब ये जो आपने ब्रेक किया था, इसका मकसद ये था कि जो 36 है हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ओमेगा क्यूब की होल पावर 12, इसको हम यूं लिख सकते हैं, यानी ये ओमेगा क्यूब की सम पावर बन सकती है। लेकिन जो ओमेगा 37 थी, ये डायरेक्ट अगर मैं इस शक्ल में लिखना चाहता तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम ओमेगा की पावर 37 को ओमेगा क्यूब की सम पावर नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमने इसलिए इसको ब्रेक किया था। तो खैर, ये आपके सामने इन दोनों की ब्रेकिंग नजर आ रही है। ठीक है, तो इधर -5 भी आना चाहिए जो कि नहीं लिखा गया, -5। ठीक है, -5 ये आप लिख लें। इसके बाद ओमेगा क्यूब 1 है जी, 1 की पावर 12, यहाँ पे भी 1 की पावर 12 और -5, फिर ओमेगा इंटू 1 की पावर 12, ये तकरीबन वही स्टेप दोबारा से रिपीट हो गया। अब ये 1 जो है, 1 की पावर 12 1 ही होता है, तो ओमेगा 1 द ओमेगा ही आ जाएगा, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर और -5। अब आपको बताया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है, इसकी वैल्यू -1 है। ठीक है, सिर्फ इसकी वैल्यू, ये वैल्यू इसकी क्या होती है जी, -1। ठीक है, क्योंकि वो जो आपके पास 1+ओमेगा+ओमेगा² = 0 वाली इक्वेशन है, वहां से इसकी वैल्यू -1 आती है। आगे ये -5 इसी तरह, देन फिर -1 और -5 = -6 आ जाएगा, और ये थी इसकी वैल्यू -6। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा रेज -13 प्लस ओमेगा रेज -17। ठीक है, अब हमने इनको सॉल्व आउट करना है, लेकिन किस तरह से देखते हैं जी। सबसे पहले ओमेगा रेज -13 को हम ब्रेक कर सकते हैं
ओमेगा रेज माइनस 12 एंड ओमेगा रेज माइनस 1 में, और इसको हम माइनस 15 एंड माइनस 2 में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है माइनस 15 और माइनस 2 अगेन जब अगर इकट्ठे किए जाएं तो माइनस 17 आ जाएंगे, इसी तरह ये भी, तो हम इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद ओमेगा रेज जो माइनस 12 है, इसको हम ओमेगा क्यूब की जो पावर बनाएंगे वो माइनस 4 होगी, क्योंकि 3/4 द माइनस 12 आना चाहिए। आगे ओमेगा रेज माइनस 1, इसी तरह इसको हम यूं ब्रेक करेंगे जी, ये आपके सामने। अब ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है जी, और 1 की पावर माइनस 4 आ रही है, यहाँ पे 1 की पावर माइनस 5 आ रही है, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी हो जाए वो 1 ही रहता है, तो सिर्फ ओमेगा की पावर माइनस 1 रह जाएगी और यहाँ पे ओमेगा की पावर माइनस 2 रह जाएगी, ठीक है। तो 1 की पावर बेशक नेगेटिव में आए, पॉजिटिव में आए, कुछ भी आए, तो वो 1 ही रहता है और 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब हमने देखना है कि ओमेगा की जो पावर माइनस 1 है इसको हम किस तरह से प्लस बना सकते हैं। तो उसका तरीकाकार एक ही है कि आप इसको 1 के नीचे लिख लें, 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वेयर। उसके बाद आप इनका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम इनका ओमेगा क्यूब आ जाएगा। आपको पता है इन दोनों का एलसीएम जो है दोनों को अलग लिखा जाएगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा। अब ओमेगा को अगर इसके साथ कंपेयर करें तो 1 ओमेगा कट जाएगा, ओमेगा स्क्वेयर रह जाएगा, वो वाला ओमेगा स्क्वेयर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वेयर ऊपर, इस तरह यहाँ पे भी प्लस ओमेगा आ जाएगा। इसके बाद ऊपर जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर बन रहा था उसकी वैल्यू आपको पता है माइनस 1 होती है, वो पुट की। जो नीचे ओमेगा क्यूब था उसकी वैल्यू जस्ट 1 होती है, तो ये आपके पास माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है जी इस स्टेटमेंट को। ये आपके सामने स्टेटमेंट एक दी हुई है और हमें ये कहा गया कि आप इसको प्रूफ करके बताएं, ठीक है जी। प्रूफ क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू होना चाहिए एक्स प्लस वाई इन टू एक्स प्लस ओमेगा वाई इन टू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए हम राइट हैंड साइड को यूज करेंगे। ये राइट हैंड साइड आपके पास है, हमने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है जी। ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो एट द एंड हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आना चाहिए, लेकिन कैसे आएगा देखते हैं। देखें जी, एक्स प्लस वाई को हम यूं ही रखते हैं, लेकिन इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करें जी, पहले एक्स को एक्स से, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ गया, तरतीब से लिखा। फिर आपने ओमेगा वाई को एक्स से करना है तो ओमेगा एक्स वाई आ गया, फिर ओमेगा वाई को इससे किया तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप है एक्स प्लस वाई इन टू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से अगर आप एक्स वाई कॉमन ले लें तो अंदर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह जाएगा, और प्लस ये इसी तरह हमने लिख दिया। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो ये हमारे पास बन जाए, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये अगर पूरा स्टेप अगर आप देखें ये वाला, तो ये हमारे पास एक अलजबरा का फार्मूला बन रहा है, एक्स प्लस वाई इन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये 1 आप ना भी लिखें तब भी ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास एक फार्मूला है जो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। सो अब बाय फार्मूला हम इस चीज को लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके साथ ही आज का हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक अपनी प्रैक्टिस को मुकम्मल कीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, फी अमान अल्लाह।